सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ को लेकर नदी घाटों पर इस बार स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसको लेकर ख्याल स्थानीय नगर ने घाटों पर पीठ बनाई है, जिसमें पूजा से संबंधित सामग्री का विसर्जन होगा। जेएनसी के अधिकारी से इस तैयारी को लेकर बातचीत की तो उनका कहना है कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के करीब 8 घाटों को छठ पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि छठ व्रतियों को पूजा के समय घाट साफ सुथरे मिले। दो मुहानी में, भोजपुर घाट में और पांडे घाट में और स्वर्ण रेखा घाट में जेनेसी के द्वारा वहां पर पीठ बनाया गया था। पीठ का उद्देश्य यही है कि जो पूजन सामग्री नदी में लोग विसर्जित कर देते थे, उसको हम लोग जो है इस बार हम उस पीठ में ही विसर्जन करवाएं, ताकि नदी में जो पूजन सामग्री बहा करके जो नदी को गंदा करते थे लोग, उस गंदगी से हम लोग नदी को बचा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नदी को बचाना है और पूजन सामग्री को एक निश्चित प्लेस पर पीठ में डाल करके उसको निर्धारित प्लेस में हम लोग कचरा ले जाते थे। तो इसको लेकर के आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा में लगभग 15 टन कचरा जो है नदी में जाने से हम लोगों ने रोका। उसी का उदाहरण जो है हम लोग फिर से काली पूजा और दुर्गा ये लक्ष्मी पूजा में हम लोगों ने किया, करीब 9 से 10 टन कचरा जो है हम लोगों ने पीठ में करवाया। आप अभी देखेंगे कि दो मुहानी में, सोनरेखा में एंड अदर घाटों में भी कुछ कुछ जगहों पे पीठ बना हुआ है, और लोगों से अपील भी कर रहा है। हमारे वहाँ पर टास्क फोर्स या होमगार्ड के जवान भी नियुक्त हैं, और उनसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो विसर्जित करने आ रहे हैं वो विसर्जन की सामग्री जो है आप उस पीठ में रख दें, उस कुंड में रख दें, ताकि नदी हमारा दूषित नहीं हो और नदी हमारा स्वच्छ रहे, ताकि जो आस्था का महापर्व जो छठ है उसमें लोगों को एकदम क्लीन मिले, साफ सफाई मिले, और लोगों का जो विश्वास है, जो पवित्रता है, वो पवित्रता के साथ जो है नदी घाट में जब छठ करने छठव्रती आते हैं उस पवित्रता को देख करके उनके मन प्रफुल्लित हो और लोगों को भी मन प्रफुल्लित हो, और एक जो छठ पर्व की जो आस्था है वो लोगों में बना रहे। इसके साथ ही अधिकारी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए घाटों पर डेंजर जोन, गोताखोर और पूरे घाट में लाइट की व्यवस्था, बैनर, कॉरपोरेट, रोलेक्स, व्रतियों को वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम, प्रवेश द्वार, वॉच टावर समेत कई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो। पेड़ लगाने तक की तो हमारा कोई ये नहीं है, बट हम लोगों के द्वारा जो है मॉडल छठ घाट के रूप में कई घाटों को तब्दील किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा दो मुहानी है और सोनरेखा है, भोजपुर छठ घाट है और शास्त्री नगर का छठ घाट है। इन घाटों में हम लोगों के द्वारा रोलेक्स, कारपेटिंग, बैनर एंड गेट, एंड इसके अलावा कुछ हम लोग चेंजिंग रूम भी बना रहे हैं, और हम लोगों के द्वारा वॉच टावर भी लगाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा आप देखेंगे कि नदी में पानी बढ़ने की वजह से गोताखोर भी हम लोग उसको वहाँ नियुक्त कर रहे हैं, डेंजर जोन चिन्हित कर रहे हैं, बैरिकेटिंग करवा रहे हैं। तो ये तमाम सुविधाएँ हम लोग नदी घाटों में, जहाँ पर मॉडल छठ घाट है और जो डेंजर जोन है, उन घाटों पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि छठ व्रतियों को या अन्य लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। वहीं जिला प्रशासन के इस प्रयास के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी को साफ रखने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन केवल प्रशासन की कोशिशों से कुछ नहीं होगा, आमजन को भी नदी की सफाई के लिए जागरूक रहना होगा। जो वो जो सोल्यूबल है उसको डालने में तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है बाकी सामग्री आप जो साइड में पिट है उसमें डाल दो, मैंने उसमें डाल दी है। मैं तो 100% करता हूँ, इन कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं तो उनको समझाने की आवश्यकता है। ये तो अब जेएनईसी और प्रशासन बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ, बट ना प्रशासन ना कोई, जब तक आप खुद ना समझोगे और खुद अपने से आप इसका प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लगता है कि इस तरह की योजना कर, जब तक आप अपने अंदर से, जैसे आप अपने घर को साफ रखते हो वैसे अगर आप नदी या इन सब को साफ रखने की, जब तक लोगों के अंदर से ये भावना नहीं आएगी ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोदी जी नमामि गंदे चला ले या स्वच्छ गंगा चला ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो लोगों को जागरूक होना, ऑब्वियसली लोगों को जागरूक होना पड़ेगा भैया। आप घर को साफ रखोगे बाहर गंद फैलाओ। हालांकि शहर की नदी घाटों पर स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर तैनात पुलिसकर्मी कहते हैं कि लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नदी में ही कचरा डालते हैं। इसलिए किया गया कि लोग विसर्जन का सामान जो लेकर आते हैं
तो मूर्ति जी को सिर्फ खाली जो लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो मूर्ति है उनको सिर्फ नदी में विसर्जन करना है, और उनके अलावा जो भी सामान है, माँ का चुनरी हुआ, फूल हुआ, और वो जो मिट्टी के बर्तन के जो सामान होते हैं सभी को यहाँ रखना है ताकि नदी गंदा ना हो। ऐसी सर से हमको भेजा गया है, सिटी मैनेजर हैं और हमारे विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी हैं। जी जी, पूरा सफलता पूरा मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। पर रहा है कि सिर्फ मूर्ति जी को सिर्फ नदी में विसर्जन कीजिए, उसके अलावा जो भी सामान है यहाँ पर जो कुंड खना हुआ है उसी में डालना है। बहरहाल जिला प्रशासन ने तो छठ पूजा के लिए तैयारी पूरी कर ली है, अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के इन प्रयासों को आमजन का कितना समर्थन मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।